जय हिंद दोस्तों, मेरे पास काफी टाइम से कमेंट आ रहे हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो नई भर्ती है वो कब तक आ सकती है। ठीक है, तो उसी पर आज हम बात करेंगे कि रेलवे की जो वैकेंसी है वो अभी आएगी लगभग 1 लाख प्लस पोस्ट पर। ठीक है, तो देखिए रेलवे की तरफ से एनटीपीसी ग्रुप डी और कुछ अन्य पदों पर जो हो 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगी। अभी जो हो 1 लाख पदों पर जो हो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जिसका एग्जाम होना है, कोरोना की वजह से जो शेड्यूल है वो सारा खराब हो गया है रेलवे का, लेकिन अभी 35,000 पे जो हो एनटीपीसी का चल रहा है। ठीक है, इसका जो है फर्स्ट पेपर हो गया, यानी पार्ट वन सीबीटी वन जो होता है वो हो गया है। अब इसका रिजल्ट आएगा, इसके बाद में सीबीटी टू होगा। देखिए एनटीपीसी जो हो लगभग अगर हम बात करें तो जून तक जो हो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जून तक लगभग इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग जो हो लगभग शुरू हो जाएगी जून 2022 तक। और अन्य वैकेंसियां हैं तो टोटल जो हो लगभग हम बात करें तो 1.5 लाख के लगभग वैकेंसी अभी फिलहाल चल रही है या फिर हो गई है, और इनमें से कुछ एक वैकेंसियां होनी है। ठीक है, जैसे ग्रुप डी अभी एग्जाम होना है, एनटीपीसी का जो हो एग्जाम हो गया है, दूसरा एग्जाम होना है, और कुछ एक वैकेंसियां हैं जिनके अंदर ज्वाइनिंग दे भी दी गई है। ठीक है, तो लगभग 1.5 लाख वैकेंसियां यहां पे कंप्लीट हो गई है। रेलवे की तरफ से जो हो घोषणा की गई थी टोटल 2.5 लाख वैकेंसियां के। ठीक है, 2.5 लाख वैकेंसी की जो हो घोषणा की गई थी रेलवे के अंदर, जिसमें से लगभग 1.5 लाख, लगभग एक हम राउंड फिगर में कहें तो 1.5 लाख के लगभग जो कंप्लीट हो गई है। तो अभी 1 लाख प्लस जो पोस्टें हैं वो खाली है, रेलवे की तरफ से जो हो आनी है, इन पोस्टों पर जो नोटिफिकेशन है वो आना है। तो अभी 1 लाख प्लस जो पोस्टें हैं वो आएगी, 1 लाख से ऊपर कितनी होगी वो रेलवे ही बताएगा कि कितनी पोस्टें उसके पास और खाली होगी, क्योंकि रिटायरमेंट इसके अंदर होते रहते हैं। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। देखिए जैसे ही वैकेंसियां कंप्लीट होती है, जैसे कि एनटीपीसी का जो जून के लगभग जो हो ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो इसका जो हो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आने का चांसेस है, और बाकी की जो वैकेंसियां जैसे ग्रुप डी की ये थोड़ी बहुत लेट हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इनका जो नोटिफिकेशन है वो 2022 के लास्ट में, यानी लगभग नवंबर दिसंबर के अंदर जो हो आपका नोटिफिकेशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग आपको नई भर्तियां जो हो 1 लाख प्लस पोस्टें जो आएगी उनका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर 2022 के लगभग जो आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके एग्जाम जो हो जल्दी होंगे इन वैकेंसियों को देखते हुए, क्योंकि इन वैकेंसियों के अंदर जो हो कोरोना के कारण लगभग 1.5 से 2 साल जो हो खराब हो गए थे। अभी जो हो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो पाया है, तो ग्रुप डी का एग्जाम जो हो नहीं होने का मुख्य कारण जो हो कोरोना ही है, बाकी सरकार को बहाना चाहिए। देखिए फिलहाल जो हो नई वैकेंसियां आने वाली है, अगर आप जो हो ये फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे तो अब जो हो आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप रेलवे की तैयारी शुरू कर सकते हैं।